गोल्ड भी एक ऐसी चीज है जो मुझे लग रहा है कि हमारी आने वाली जनरेशन जो होगी वो यही कहेगी कि यार एक जमाने में गोल्ड हुआ करता था या इस तरह की चीज हुआ करती, क्योंकि गोल्ड इतना महंगा हो गया है कि लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम गोल्ड की बात करें तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, गोल्ड की बहुत ज्यादा खरीदो फरोख्त की जाती है। ये बात मुझे भी सुन के बहुत ज्यादा हैरत हुई थी। लेकिन कहा जाता है कि ये इंडस्ट्री गोल्ड की जो है ये अभी भी FBR में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि टैक्स के हवाले से अगर बात की जाए तो ये लिस्टेड नहीं है। कितनी कंपनीज यानी जितने भी गोल्ड ज्वेलर्स हैं वो FBR में लिस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू है, जितना ज़्यादा रेवेन्यू का वो टारगेट हिट करते हैं वो पता नहीं चलता और कौमी ख़जाने में जमा भी नहीं होता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोल्ड इंडस्ट्री से ज़करिया ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन शाहिद ज़करिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ज़करिया साहब आप? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच कि आप वक्त निकाल के हमारे शो में आए। अच्छा, आपका आपने बताया कि जदी पुश्ती से आपका जो है वो गोल्ड की रिफाइनरी से ताल्लुक़ है, आप गोल्ड रिफाइन भी करते हैं फिर उसको बनाते भी हैं, प्रॉपर आपकी फैक्ट्रीज हैं इस हवाले से? जी, मुल्तान में ना एक हमने एक फैक्ट्री बनाई हुई है, उससे जो है हम माइनिंगों से इधर उधर से हम मिट्टी परचेज करते हैं, उनको फिर रिफाइन करते हैं, मुख्तलिफ मेटल उसके अंदर से निकालते हैं, गोल्ड भी निकालते हैं, चांदी जिसको बोलते हैं वो भी निकालते हैं, फिर उसके बाद जो ना कॉपर भी निकालते हैं, फिर रोडियम जो कीमती धातें हैं वो हम निकालते हैं। यानी कि प्रॉपर स्क्रैच से आप काम करते हो, 30 साल से ज़ायद आप इस फील्ड में मौजूद हैं। हमारे बुजुर्ग भी यही काम करते थे। तो क्या वजह है कि अभी तक ये FBR में रजिस्टर्ड नहीं है गोल्ड की इंडस्ट्री? हाँ जी, असल में बात यह है, हमारा एक तो है ना सिस्टम, ये जो सात वाला मुल्क है ना इंडिया, तो उन्होंने भी 2020 से 2021 तक जो ना उन्होंने रजिस्टर कर लिया अपना गोल्ड। अच्छा, हमारे मुल्क के अंदर ये गोल्ड को हम रजिस्टर करने की तरफ ही नहीं आ रहे हैं। क्यों, वजह क्या है? वजह मतलब हालांकि कोई मसाइल भी नहीं है, देखो एक जैसे एक गाड़ी रजिस्ट्रेशन करने का ना एक इदारा बनाया हुआ है, ऐसे एक इदारा नहीं बना हुआ। FBR जो ना खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाती है सुनारों के साथ उनके साथ, तो वो गोल्ड रजिस्टर करवाने के लिए तैयार नहीं होते, तो हम चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं सोचती इस बारे में? नहीं, गवर्नमेंट अभी तक मतलब सोचना तो चाहिए, जैसे हालात हैं अगर ये मिसाल के तौर पर रजिस्ट्रेशन की तरफ आ जाए ना, इंशाल्लाह ताला हम गोल्ड से जो ना पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। गोल्ड के टैक्स से अगर हम खाली सेल टैक्स कलेक्शन करें ना अभी हम करना शुरू हो जाए, इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान का हम कर्जा उतार सकते हैं। अच्छा, इतना गोल्ड है हमारे। अच्छा, बीच में तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स कलेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था, पकड़ धकड़ हो रही थी, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो रही थी, तो उस वक्त भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो गोल्ड इंडस्ट्री पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गोल्ड इंडस्ट्री काफ़ी सारे लोगों का कहना है, जो ज्वेलर्स हैं उनका कहना है कि कुछ लोग तो रिश्वत लेके मान जाते हैं और अगर वो नहीं दें तो उनको फिर हरेस भी किया जाता है और उनको डराया धमकाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करते FBR से। ऐसे असल में मसला ये है, जितने भी इदारे होते हैं, जैसे कोई भी बैंक है, कोई भी एक कंपनी को हायर कर लेता है, उस कंपनी के थ्रू वो सारे काम करवाता है। FBR ने अभी कोई ऐसा इदारा अपने साथ नहीं जोड़ा है जो सारे गोल्ड को रजिस्टर करे। अच्छा, हमें पता है बैकअप पे कितना गोल्ड पड़ा है। अब जो लोग गोल्ड के अंदर रजिस्टर्ड हैं ना, वो पता है कैसे रजिस्टर्ड हैं, FBR में जाते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं जी हमारे पास 100 तोले सोना है। अच्छा, उसका ना उसका इनकम टैक्स जमा करवाते हैं, ना उसका सेल टैक्स जमा करवाते हैं। भाई, तुम जो 100 तोले से बिजनेस कर रहे हो वो कहाँ जा रहा है बिजनेस, उसके लिए वो उसके ऊपर मेहनत नहीं कर रहे होते। तो हम चाह रहे हैं कि भाई ये जो FBR ये इदारे मिलकर इंशाल्लाह ताला हमारे साथ बैठ के एक पॉलिसी बनाएं, उस पॉलिसी के तहत जो ना हम गोल्ड को रजिस्टर कर सकते हैं। सही, और इससे कितना फायदा हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है, एक बहुत बड़ी बात है जिसके ऊपर सारी ये इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, गवर्नमेंट में और अपोजिशन में झगड़े हो रहे हैं, तो अगर सिर्फ आप गोल्ड इंडस्ट्री को रजिस्टर कर दें तो कितना बड़ा मसला हल हो सकता है। जैसे कई साहब ये बताइएगा कि जैसे हम कहते हैं गोल्ड की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिस तरह से तेजी से चढ़ रहा है, तो क्या आज भी गोल्ड की खरीदो फरोख्त इतनी ज्यादा है? क्योंकि पहले तो एक जमाना था जिस वक्त हम 30-30 तोले 32 तोला गोल्ड शादियों में लड़कियों को जहेज में दिया जाता था या फिर बरी धन को दिया जाता था, तो आज भी क्या गोल्ड उस तरह से खरीदा जाता है? गोल्ड बल्कि जो ना उससे ज्यादा सेल हो रहे हैं, उससे ज्यादा सेल हो रहे हैं, इतनी महंगाई के बावजूद। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जी, ये जब महंगा होता है ना, गोल्ड की कैपेसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, मतलब खरीद की, तो किस वजह से कि लोग जो है ना वो स्टॉक करने लग जाते हैं, कि भी जैसे हालात हैं मुल्कों के, क्योंकि पूरी दुनिया में एक जो ना सिस्टम शुरू हो रहा है कि हर मुल्क जो है ना गोल्ड के ऊपर लेन देन शुरू करने वाला है। अच्छा। हमारा जो मुल्क है ना इस सिलसिले में आगे आ ही नहीं रहा है, हम चाहते हैं कि इसको भी आगे आना चाहिए। जैसे पहले जमाने में सोने की अशरफियां चलती थी, तो क्या वाला जाहिर बात है,
अब जितना डॉलर कहाँ खड़ा है और करेंसियाँ कहाँ खड़ी हैं, अगर ये करेंसी कुछ भी हो सकती है, ये जो गोल्ड है ना, ये हमारी फिजिकल करेंसी है, ये जो हम कहीं भी चला सकते हैं इसको। अब हर बंदा ना अपने घर में गोल्ड रख के इसलिए बैठता है कि अगर मुल्क के हालात हो, हम गोल्ड को बेच कर अपनी ज़रूरियात को पूरा करें। अच्छा भाई, घाना में या ये किसी और मुल्क में, क्योंकि मेरी घाना में भी कंपनी है, वेस्ट अफ्रीका घाना के अंदर, वहाँ पर भी ऐसे ही है, गोल्ड देते हैं, वो चीज़ें परचेज करते हैं, वहाँ पर उनका पैसे का ये किसी उससे ताल्लुक नहीं है। अगर उनकी करेंसी यहाँ पर लेकर आए, नहीं चलेगी उनकी करेंसी, लेकिन गोल्ड से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। बहुत आपने एक नई एक अच्छी बात बताई है हमें कि जिनके पास, जिनके घरों में गोल्ड इस वक्त है, वो गोल्ड बेचे ना और उसको संभाल के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया ज़करिया साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमें बताया और ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी कि अगर गोल्ड इंडस्ट्री को हम टैक्स में रजिस्टर कर दें, नेट टैक्स में रजिस्टर्ड कर दें और उनको लिस्टेड कर दें, तो कितनी आसानी हो सकती है हमारे मुल्क के लिए, हम अपना कर्ज़ा उतार सकते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए। खैर, थैंक यू सो मच वन सेकेंड ज़करिया साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।